subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, युवा ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और आज उनका जन्मदिन भी है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देश के अनेक स्थानों से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्यों के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जो उत्तराखंड आया हूं, तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो
कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाई और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब, से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया के का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए
एक बड़ी चुनौती। हमारी जनसंख्या तो थी ही, भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक, ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। साथियों, यहां उपस्थित कई महानुभाव इस बात से परिचित है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी बड़ी चुनौती होता है। ऑक्सीजन ऐसे ही किसी टैंकर में नहीं ले जाया जा सकता, इसके लिए खास टैंकर चाहिए होता है। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायु सेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया, पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं।
ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तराई जैसी समतल भूमि है वहां शायद इन कामों में सरलता रहती है। मैं इस धरती से बहुत जुड़ा रहा, यहां वैक्सीन पहुंचाना भी कितना कठिन होता है। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत जनता की अपेक्षाओं, जनता की आवश्यकताओं का पूर्ण समाधान करते हुए ही आगे बढ़ेगा। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बचत भी हो रही है और उसे सुविधा भी मिल रही है। पहले जब
किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो आर्थिक मदद के लिए यहां वहां नेताओं या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। आयुष्मान भारत ने इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अस्पताल के बाहर लंबी लाइनों, इलाज में होने वाली देरी, मेडिकल हिस्ट्री का अभाव, इस वजह से कितने ही लोग परेशान होते रहे। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इससे पहली बार इसका समाधान करने का प्रयास भी शुरू हुआ है। साथियों, छोटे छोटे उपचार के लिए बीमारी के दौरान रूटीन चेकअप के लिए बार बार आना जाना कितना मुश्किल होता है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए अब ई संजीवनी ऐप की सुविधा दी गई है। इससे गांव में अपने घर पर बैठे बैठे मरीज शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। इसका लाभ अब उत्तराखंड के लोगों ने भी उठाना शुरू किया है। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़ा एक सशक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है। 6-7 पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसके लिए बीते 7 वर्षों में देश में 170 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। यहां मेरे उत्तराखंड में भी रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। साथियों, उत्तराखंड के निर्माण का सपना अटल जी ने पूरा किया था। अटल जी मानते थे कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदार धाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। वहां श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। मैं भी कई बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता रहता हूं। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है। गढ़वाल और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है।
कुमाऊं में चार धाम रोड के लगभग 150 किलोमीटर हिस्से से इस क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से भी उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। देहरादून हवाई अड्डे की क्षमता को 250 पैसेंजर से बढ़ाकर 1200 तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तराखंड में आज सराहनीय कार्य हो रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां की महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है। उनका जीवन और आसान बन रहा है। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। यानी सिर्फ 2 वर्ष के भीतर राज्य के करीब करीब 6,00,000 घरों को पानी का कनेक्शन मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन ने महिलाओं को राहत दी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान दिया, वैसे ही जल जीवन मिशन से हो रहा पानी का कनेक्शन महिलाओं को बहुत राहत दे रहा है। साथियों, उत्तराखंड की देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है। यहां का वीर नौजवान, वीर बेटियां भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान है। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का लाभ आर्मी के साथ साथ नौसेना और वायुसेना के शहीदों को भी सुनिश्चित किया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने जेसीओ और अन्य रैंक की पदोन्नति को लेकर पिछले 4 दशकों से चला आ रहा मामला सुलझा दिया।
पूर्व सैनिकों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब फौज के वीर जांबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। और निश्चित तौर पर सरकार के इन सभी प्रयासों का लाभ उत्तराखंड को होगा, यहां के लोगों को भी होगा। भाइयों और बहनों, हम दशकों की उपेक्षा से देवभूमि को निकालने का बहुत ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद वीरान पड़े गांव फिर से आबाद होने लगे हैं। कोरोना काल में मेरी यहां के अनेक युवाओं से, किसानों से कई बार बातचीत हुई है, जब वो बताते हैं कि उनके घर सड़क पहुंच चुकी है, अब उन्होंने होम स्टे खोल दिया है, तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि, पर्यटन, तीर्थाटन और उद्योगों के लिए, युवाओं के लिए अनेक नए अवसर खुलने वाले हैं। साथियों, यहां उत्तराखंड में युवा ऊर्जा से भरपूर उत्साही टीम है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुड़ जाने का यही समय है, सही समय है। केंद्र में जो सरकार है, वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। बाबा केदार की कृपा से हम हर संकल्प को सिद्ध करें, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।